दोस्तों, इस कांटे वाले पेड़ को पहचान पाओगे? और ये क्या काम आता है? इसे कौन सी दवाई बनती है और कौन सी दवाई आती है बन जाती है हमारे शरीर में? ये क्या काम आता है? और इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले ये देवभूमि पर्वत आचल से आपको इस चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज कर रहा हूँ मैं शाम को ब्लॉग की शुरुआत, और इस समय 5 बज चुके हैं, और आज मुझे सुबह टाइम नहीं मिला, इसे मैं शाम के समय इस वीडियो बना रहा हूँ और ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। दोस्तों, और मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए, और मेरे वीडियो को रास्ते तक देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों, इस पेड़ को पहचान पाओगे आप? ये पेड़ कौन सा है और क्या है? इसको पहचान पाओगे? ये क्या काम आता है? और इससे कौन सी दवाई बनती है? और ये कौन सी दवाई, ये दवाई बन के क्या काम आता है? और हमारे शरीर में क्या काम करता है ये? दोस्तों, इसके बारे में आप पूरा पूरा इसको बारे में बताऊंगा आपको, और आपको इस चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको इसके बारे में बताऊंगा ये क्या काम आता है, इससे दवाई कैसे बनाई जाती है, और ये क्या करता है हमारे शरीर में काम, इसके बारे में आपको बताऊंगा पूरा। देखिए दोस्तों, जो ये पत्ते हैं, ये पेड़ जो है एलोवेरा, इसे कहते हैं एलोवेरा, और इसको काट के जो है इनके पत्तों को, ये इससे दवाई बनाई जाती है जो कंपनियों में जाती है, जैसे रामदेव बाबा जी बनाते हैं, इनको इसका जो बनाया जाता है पूरा, इसको पीस करके दवाई बनाई जाती है, और इसमें केमिकल डाल के, और ये जो होता है एक मुलायम जैसे जैसे वो होता है पूरा ट्यूब जैसा बन के आता है, और जो हमारे चेहरे के दाग धब्बे और फोड़े फुंसी को ठीक करता है, और यह बहुत ही मुलायमदार होता है। देखिए, ये कांटेदार होते हैं इसके, देखिए, और ये एलोवेरा पूरा शरीर में जो होता है चिकनापन लाता है, और त्वचा को सुंदरता देता है, और सारे जो फोड़े फुंसी होते हैं उनको नष्ट करता है। दोस्तों, ये पेड़ बहुत ही आयुर्वेद में माना जाता है, और इसमें इसको पतंजलि में भी प्रयोग किया गया है, और इसमें भी इसका पूरा भारत में पतंजलि में ये बहुत ही इसको दवाई बनाई जा रही है, और पतंजलि में इसको इसकी दवाई बाजार और शहर में भी आ रही है। ये रामदेव बाबा इसको बहुत ही इसका प्रचार प्रसार करते हैं, इसकी दवाई बन के पूरा हमने जो उनकी दवाइयों की वो है वहाँ रामदेव पतंजलि आयोग में वहाँ भेजी जाती है, और वहाँ से लोग खरीदते हैं लोग। ये देखिए, यही होता है वो पेड़ जो होता है, यही है एलोवेरा, इसे एलोवेरा कहते हैं। इसमें ये पूरा त्वचा को सुंदरता देता है और फोड़े फुंसी को नष्ट करता है, और जो भी शरीर में जो भी फोड़े फुंसी होते हैं उनको पूरा ख़त्म कर देता है, शरीर को त्वचा को मुलायम करता है ये। दोस्तों, ये देखिए, यही पेड़ होता है, ये इसको दिखाऊँ, ये देखिए, ये है पेड़, ये कांटे होते हैं इस पर, ये देखिए, ये वैसे देते हैं, ये देखिए, और इस पर कांटे वो देते हैं। दोस्तों, यही से ही पतंजलि में जो आयुर्वेद जो एलोवेरा ट्यूब आती है वहीं से आती है बन के, इसको पीस करके और इसकी दवाई केमिकल डाल के वहीं से बन के पैकिंग करके यहाँ बाजारों में शहर में बेची जाती है, और पतंजलि आयोग में मिलती है ये बहुत ही, और ये पूरा ही भारत में है, और ज़्यादातर ये उत्तराखंड में पाया जाता है, उत्तराखंड को ही देवभूमि माना गया है, इसलिए इसको देवभूमि ये एलोवेरा ज़्यादा पाया जाता है उत्तराखंड में। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। दोस्तों, नमस्कार।